साल 2020 ऐसी मुश्किलों में बीता कि शायद ही लोग उसे याद करना चाहे। नया साल, नई उम्मीदें, नए सपने लेकर सामने हैं। लेकिन नए साल में टैक्स से लेकर बैंकिंग तक ऐसे बहुत से बदलाव हो रहे हैं जो आपकी जिंदगी से सीधे जुड़े हैं और जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। आइए जानते हैं क्या है वो बदलाव। चेक पेमेंट सिस्टम। 1 जनवरी से चेक पेमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। RBI ने 1 जनवरी 2021 से पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम शुरू करने का ऐलान किया है। इस नियम के तहत 50,000 रुपए से ज्यादा के पेमेंट पर जरूरी डिटेल को फिर से कंफर्म करने की जरूरत होगी। चेक से पेमेंट करने का ये नया नियम 1 जनवरी 2021 से लागू हो जाएगा। लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल। नए साल में लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने का तरीका बदल जाएगा। 1 जनवरी से अगर आप लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करते हैं तो नंबर से पहले 0 लगाना अनिवार्य होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर है 1234567890। अब अगर लैंडलाइन फोन से इस नंबर पर डायल करेंगे तो पहले 0 लगाएंगे, यानी लैंडलाइन से डायल नंबर होगा 01234567890। ये सुविधा अभी अपने क्षेत्र से बाहर के कॉल करने के लिए उपलब्ध है, लेकिन नए साल में लैंडलाइन से अपने पड़ोस के मोबाइल फोन पर भी डायल करने से पहले 0 लगाना अनिवार्य होगा। कॉन्टैक्ट लेस कार्ड ट्रांजेक्शन लिमिट। 1 जनवरी से कॉन्टैक्ट लेस कार्ड ट्रांजेक्शन लिमिट भी बढ़ रही है। लोग कॉन्टैक्ट लेस कार्ड पेमेंट की मदद से ज्यादा अमाउंट में आसानी से ट्रांजेक्शन कर पाए। इसके लिए RBI की पिछली MPC की बैठक में कॉन्टैक्ट लेस कार्ड ट्रांजेक्शन की लिमिट को बढ़ाकर 5,000 रूपए प्रति ट्रांजेक्शन करने का फैसला कर लिया गया है। पहले ये लिमिट 2,000 रूपए थी। कार बाइक महंगे। 1 जनवरी से कार्स और बाइक की कीमतों में इजाफा हो रहा है। मारुति, महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, होंडा, ह्युंडई, किया मोटर्स सहित लगभग ऑटो कंपनीज ने अपने वाहनों की कीमत में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। कच्चे माल की बड़ी लागत को कंपनियों ने इसकी वजह बताया है। फास्टैग अनिवार्य। नए साल से सभी वाहनों के लिए फास्टैग जरूरी कर दिया गया है। सरकार की तैयारी है कि 1 जनवरी से 100% टोल फास्टैग की मदद से ही कलेक्ट किया जा सके। अब तक जो कुछ वाहनों को छूट दी जा रही थी उसे 31 दिसंबर को खत्म कर दिया गया है और 1 जनवरी 2021 से सभी वाहनों के लिए फास्टैग जरूरी कर दिया गया है। हालांकि सरकार ने कहा है कि 15 फरवरी तक सभी टोल प्लाजा पर एक हाइब्रिड लेन चलता रहेगा ताकि इस सिस्टम को सहजता से लागू किया जा सके। सरल जीवन बीमा पॉलिसी। 1 जनवरी से आप कम प्रीमियम में सरल जीवन बीमा स्टैंडर्ड टर्म प्लान पॉलिसी खरीद पाएंगे। बीमा नियामक संस्था RIDAI ने सभी बीमा कंपनियों को 1 जनवरी से सरल जीवन बीमा लॉन्च करने को कहा है। ये एक स्टैंडर्ड टर्म इंश्योरेंस होगी। नए बीमा प्लान में कम प्रीमियम में टर्म प्लान खरीदने का विकल्प मिलेगा। साथ ही सभी बीमा कंपनीज की पॉलिसी में शर्तों और कवर की राशि एक समान होगी। छोटे कारोबारियों के लिए GST रिटर्न। सालाना 5 करोड़ रुपए तक के टर्न ओवर वाले छोटे कारोबारियों को अब सिर्फ 4 GST सेल्स रिटर्न भरना होगा। 1 जनवरी को ये नियम लागू हो रहा है। पहले उन्हें 12 तरह के सेल्स रिटर्न भरने होते थे। इससे करीब 94 लाख कारोबारियों को फायदा होगा। GST का 1% कैश देना अनिवार्य। इस नियम के तहत हर महीने 50 लाख से ज्यादा के टर्न ओवर वाले कारोबारियों को GST देनदारी का कम से कम 1% नकद में जमा कराने का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि इससे सिर्फ 0.5% टैक्स पेयर्स कारोबारी प्रभावित होंगे। ये भी 1 जनवरी से लागू हो रहा है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।